Okay. लाइट चलाना है यहाँ से. ओके, काफ़ी लोगों ने अभी थर्मो स्टार्ट नहीं किया. प्रैक्टिस करना प्लीज़, साइलेंस. तो आज का जो लेक्चर है वो शुरू से लेके अब तक जितना हमने काम किया, पहले एक बार उसको देखते हैं कितना काम किया, उसके बाद फिर मैं आपको शीट दूंगा. क्योंकि हमने जो काम किया है वो फेजेस में काम किया है, और आपकी बुक्स बहुत मिसलेनियस क्वेश्चन देती है. जिन्होंने ट्राई किया होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्पेशली करना स्टार्ट किया, या कैलोरीमीट्री स्टार्ट किया, उसमें फर्स्ट लॉ भी आ रहा है, उसमें साउंड की स्पीड भी आ रही है, उसमें आ रहे हैं स्पीड भी आ रही है, उसके अंदर काइनेटिक थ्योरी के साथ कैलोरीमीट्री भी आ रहा है, थर्मोमीट्री भी आ रहा है. तो तीन फेज हैं इसके थर्मोडायनेमिक्स के. शुरू में आपको मिसलेनियस वाला पार्ट बहुत मिलेगा, जिससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें आ नहीं रहा. क्योंकि फर्स्ट लॉ जब तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बीच में एडियाबैटिक आइसोथर्मल, जैसे लास्ट टाइम भी हमने क्लास में देखा था, एडियाबैटिक आइसोथर्मल, यंग्स मॉडुलस, वो सारा का सारा मिसलेनियस आना स्टार्ट हो जाते हैं. तो एक बार पूरी पिक्चर को एक बार कंपाइल करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं शुरू से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, क्योंकि सबसे पहला फेस हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को प्रैक्टिस करके सेकेंड फेज कैलोरीमेट्री है. कैलोरीमेट्री हमने कल जो मंडे ऑल्टरनेट क्लास थी 5:30 उसमें भी की थी, और आज जो 3:30 पे क्लास है उसके अंदर भी प्रैक्टिस होगी. उसके बाद है थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन की एक एक्स्ट्रा क्लास लगी थी, उसमें जितने क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन के आपको बुक्स में मिलेंगे, मैंने क्योंकि उसमें मिसलेनियस मिलेंगे तो मैंने उसको अलग करके दो असाइनमेंट्स तैयार किए हैं. एक हो गई, एक असाइनमेंट और है. तो वो असाइनमेंट करने के बाद नेक्स्ट असाइनमेंट एक और लेक्चर लगेगा थर्मल एक्सपेंशन पे, तो थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा. ठीक. सो थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा ही ये प्रॉब्लम रहेगी, ये सीधा नहीं चलेगा कभी भी, और बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो थर्मल कंडक्टिविटी को भी बीच में इन्वॉल्व करती हैं. K1, K2 जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी को बीच में लेके आती हैं, और जो थर्मल कंडक्टिविटी ये बताती है वेदर अ कंडक्टर इज अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर. ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में आखिरी चैप्टर का पार्ट है, ट्रांसफर ऑफ हीट. ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब कि हीट को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम अ वन पोर्शन टू अनदर. सॉलिड की ट्रांसफर हीट अलग होती है, लिक्विड्स की अलग होती है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशंस, इस टाइप का टॉपिक है. तो कुछ बुक्स ने उसको भी बीच में इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन हम उसको बिल्कुल एंड में रखेंगे, क्योंकि जब हम कंडक्शन कर रहे हैं फिर कन्वेक्शन और साथ में रेडिएशन इकट्ठे करेंगे. हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज हम कंडक्शन कर लें और उसके बाद रेडिएशन बाद में करें और फिर कहें कि कंडक्शन हमने पहले कर लिया था. तो इसीलिए आपको एक दो दिन और थोड़ा सा शीट्स के ऊपर या फिर लेक्चर को ध्यान से सुनना है, फिर उसके बाद जब फर्स्ट लॉ क्लियर हो जाएगा, उसकी शीट्स क्लियर हो जाएंगी, फिर आप एक बार फिर से ट्राई करना, थर्मो के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने एकदम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी जो एकदम स्पिट हुई हुई है इस टाइम. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहली चीज हमने क्या की थी, अगर मैं 2 मिनट इसको पूरी पिक्चर के फॉर्म में ड्रॉ करूं, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमने स्टार्ट किया था, KTG नंबर वन. फिर हमने क्या किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद जो है वो आप ले सकते हो थर्मल एक्सपेंशन, जो लास्ट टाइम ही किया था, थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक था. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमीट्री, नेक्स्ट थर्मोमीट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन. ठीक. थर्मल एक्सपेंशन के बाद, नहीं तो ऐसे कर लो, CP एंड CB वाला कॉन्सेप्ट था, ऐसे कर लेते हैं, जो कैलोरीमेट्री का पार्ट ही है वैसे. मतलब जो अभी तक हमने मेन टॉपिक्स किए हैं वो यहाँ तक किए हैं. उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट लॉ, क्योंकि आपको एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं. फिर आएगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर आएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फिर लास्ट में आएगा ट्रांसफर ऑफ हीट. ये आपके मेन टॉपिक्स हैं. दो क्वेश्चन जेई मेंस में, दो क्वेश्चन एडवांस में आने का मतलब, या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन भी आते हैं जेई मेंस में, इस बार तो 3 क्वेश्चन आए थे सीधा. तो इतने क्वेश्चन आने का मतलब बेसिकली क्या होगा इसमें, ये चैप्टर बहुत बड़ा है. मतलब सिंपल सी बात है, अगर 15 में से 3 क्वेश्चन कोई देखा गया आगे तो अगर 15 में से 3 क्वेश्चन कोई डाल रहा है, इसका मतलब ये इतना छोटा नहीं होगा. और रोटेशनल का अगर 1 डाल रहा है, यू कैन वेल इमेजिन कि ये चैप्टर की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी. तो इसके अंदर बेसिकली
फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ट्रांसफर ऑफ हीट सारा पढ़ा हुआ है। हम केटीजी से स्टार्ट करते हैं। केटीजी के अंदर अगर आप 2 मिनट अपनी शीट्स को देखो, तो सबसे पहले मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या करवाया था कि एक मान लो सिलेंडर है या कोई भी बॉडी है, इसके ऊपर एवरेज प्रेशर कितना लगता है। एवरेज प्रेशर जो गैस लगाएगी किसी भी कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, वो हमने वैल्यू निकाल ली थी। और एवरेज प्रेशर अगर आप उसमें चेक करोगे, तो एवरेज प्रेशर की वैल्यू हमने ऐसे निकाली थी, हमने एक मॉलिक्यूल लिया था एम, एक लिया था, उस मॉलिक्यूल एम की आगे जाने की वेलोसिटी कितनी थी वी एक्स, हमने एक्स एक्सिस में अलग प्रेशर निकाला था, वाई में अलग और जेड में अलग। जाने का मोमेंटम एम वी एक्स था, आने का मोमेंटम माइनस एम वी एक्स था, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम 2 × m × v x था। ठीक है, यहाँ तक ये एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जाने की वेलोसिटी अगर वी एक्स है, और लेट अस सपोज डी टी टाइम या डेल्टा टी टाइम लगता है इसको, मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ जाने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो इसके अंदर जो आपका ये सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी, ये वॉल्यूम हो गया। फिर मैंने कहा था एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे आ जाओ कृपा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी से, तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम इतने, इतने मॉलिक्यूल्स का चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या किया था, एन इंटू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी आ गया था। ठीक, ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया था। ठीक, और माइनस साइन के साथ, क्योंकि हमने चेंज इन मोमेंटम कितना निकाला, -2m × v x। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद हमने कहा था कि ये जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये जो अगर मैं इसको फोर्स की वैल्यू निकाल लूँ इसमें से, तो फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा पी एक्स डिवाइडेड बाय एरिया ए। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया सभी मॉलिक्यूल्स का, इसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास फोर्स जो सॉरी प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। प्रेशर की वैल्यू, ये मोमेंटम है, पी फॉर मोमेंटम है, तो फोर्स की वैल्यू पहले निकलेगी, दिस इज नॉट प्रेशर प्लीज, दिस इज मोमेंटम, डेल्टा पी एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से आएगी। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो -2 × m × v x × n × a × v x डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसको डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। और अगर प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर की वैल्यू निकालने के लिए फोर्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एरिया से, तो प्रेशर आ जाएगा। फिर हमने क्या किया था कि ये नेगेटिव है, हमने इसको पॉजिटिव इसलिए लिया था कि अगर मान लो जो वॉल्स हैं, वो वॉल के जो ये जो प्रेशर जो फोर्स लग रही है वो वॉल लगा रही है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं कितनी फोर्स लगाएंगे इसका, एग्जैक्टली पॉजिटिव, तो +2 × m × v x का स्क्वायर इंटू एन इंटू ए, और इसको एरिया से डिवाइड किया था, ए से ए क्या हो गया था, कैंसल। ठीक है, यहां तक। तो मेरे पास क्या आ गई, प्रेशर की वैल्यू आ गई अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सारे के सारे एज्यूम किए गए हैं, कहां जा रहे हैं, टुवर्ड्स राइट, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाएं, तो कुछ मॉलिक्यूल लेफ्ट पे जाते हैं, कुछ राइट पे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो मैंने सारे मॉलिक्यूल को एक ही जगह स्ट्राइक करवाया। तो आपने नोट किया होगा कि हमने जब शुरू में किया था, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमने लिए थे, उसको हमने किससे डिवाइड किया था, 2 से भी किया था। बात समझ में आ रही है कि, क्योंकि अदरवाइज ये एक ही तरफ का प्रेशर आ जाएगा, और हमें नहीं मालूम कि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक ही तरफ जा रहे हैं, वो उल्टी तरफ भी आ सकते हैं। इसको हमने किससे डिवाइड कर लिया, पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा कम हो गया एवरेज प्रेशर के फॉर्म में। और फिर हमने क्या किया था, ये एवरेज प्रेशर की वैल्यू आ गई, और हमने टोटल सिमिलरली पी वाई निकाला था वी एक्स की जगह वी वाई, और पी जेड निकाला था वी जेड, तो टोटल एवरेज प्रेशर की जो वैल्यू आई थी वो पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड डिवाइडेड बाई 3 की फॉर्म में आई थी। और हमें यह भी पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो वी कैन बी रिटर्न एज वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, क्योंकि जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो एवरेज प्रेशर की जो वैल्यू है वो 1/3 × p(x) प्लस p(y) प्लस p(z) रहेगा। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा mn × v x का स्क्वायर प्लस mn × v y का स्क्वायर प्लस mn × v z का स्क्वायर।
और इसमें एम एन कॉमन आ गया, एम इन टू एन, और हमारे पास वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड की स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा था, वी स्क्वायर। और एम और एन का मतलब है, एम का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और एन से के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब, एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल मास, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, टोटल डेंसिटी। क्लियर यहां तक? तो एवरेज प्रेशर की जो वैल्यू आई थी 1/3 एम इंटू एन की जगह क्या लिखा था, डेंसिटी इंटू वी का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? और इसमें वी स्टैंड फॉर आरएमएस वेलोसिटी। कोई डाउट है इसमें? एवरेज प्रेशर क्लियर है? फिर हमने कुछ एक्सप्रेशन किए थे, किसके, हमने जो एक्सप्रेशन किया था वो एक जो प्रेशर का फॉर्मूला था उसको मॉडिफाई किया था, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, आपने कुछ नहीं करना। मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया था क्योंकि बुक्स की स्टार्टिंग में, किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक की स्टार्टिंग में वो फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, पर मैं इसके हक में नहीं हूँ याद करने के, सफिशेंट है। जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको यहीं से सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है यहाँ तक? उसके बाद एक चीज़ जरूर थी, आरएमएस वेलोसिटी। जब आप ये डेरिवेशन कर रहे थे, रिजल्ट्स कर रहे थे, आरएमएस वेलोसिटी एक ही चीज पे डिपेंड करती है और वो है गैस का टेम्परेचर बस। क्योंकि आरएमएस स्पीड, मीन वेलोसिटी, इनके फॉर्मूलाज मैंने करवाए थे। जो मीन एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या था, 8 KT/π इंटू एम, और ऐसी आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला था 3 RT/m। KT की फॉर्म में अगर RT में लिखना है तो आरएमएस स्पीड की जगह हम लिख सकते हैं 3 RT/m। ये दो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ये भी क्लियर है? फिर हमने इसको और डिटेल में भी स्टडी किया था, वो मैक्सवेल की वेरिएशन स्टडी की थी। एक ऑप्शनल टॉपिक था, सिर्फ नॉलेज सेक था ताकि आपको इन डेप्थ पता लगे कि चीजें कैसे चलती हैं। पर अदरवाइज उसके अंदर भी अगर आप मैक्सवेल का रिजल्ट भी देखोगे, एक ग्राफ बना था इस तरीके से, एक इस जो है जो एक ग्राफ इस तरीके से ये शो करता था, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी थोड़ी सी राइट शिफ्ट हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक, इस पूरे चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक चीज और है, हम वेव्स चैप्टर करेंगे, वेव्स। वेव चैप्टर में साउंड के ऊपर काम करना है हमने, क्योंकि +2 के अंदर मैंने बताया था लाइट के ऊपर काम है, +1 में सिर्फ साउंड के ऊपर काम है। अगर मैं बोल रहा हूं तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, शायद आपने कभी ये सुना हो, यानी कि पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं, एक्सपैंड, कंप्रेशन, एक्सपेंशन होती रहती है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एडियाबेटिक इन नेचर है, या आइसोथर्मल नहीं होता, ये एडियाबेटिक होता है। अब एडियाबेटिक का मतलब होता है पार्टिकल पास आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कंप्रेशन हो रहा है, जब कंप्रेशन होता है तो पार्टिकल गर्म हो जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना, और एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग, एक्सपेंशन से पार्टिकल ठंडे हो जाते हैं, तो गर्म हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि ये प्रोसेस इतनी तेज चलता है साउंड का, हम वेव में स्टडी करेंगे ये चीज। मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि साउंड के ऊपर एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव बुक्स के अंदर, तो आप उसमें फंस ना जाओ, इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो अदरवाइज जरूरत नहीं है। साउंड के अंदर हम ये डराइव करेंगे, उसमें डेरिवेशन आएगी कि साउंड की जो वेलोसिटी होती है, साउंड की, वो होती है γRT/m। जैसे इसमें होती है 3 RT/m और उसमें होती है γRT/m, गामा की फॉर्म में होती है, वेयर गामा इज इक्वल टू CP/CV। ये पॉइंट क्लियर है? तो साउंड के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गामा की फॉर्म में चलेगा, क्योंकि मैंने बताया प्रोसेस एडियाबेटिक होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होती। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि इतना बड़ा एटमोसफेयर है और अगर कुछ पार्ट में बोल रहा हूं और पार्टिकल्स कंप्रेशन और कंप्रेस हो रहे हैं और एक्सपैंड हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पार्टिकल्स अगर मान लो गर्म हो जाते हैं तो सराउंडिंग में अपनी हीट को रिलीज कर ही लेंगे, प्रॉब्लम क्या? ये कौन सा क्लोज सिस्टम है? दिस इज नॉट अ क्लोज सिस्टम, दिस इज एन ओपन सिस्टम। तो अगर ये एनवायरनमेंट में चल रहा है, हमारे एटमोसफेयर में चल रहा है, तो एटमोसफेयर में तो कितनी भी हीट ली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं, एक बार उन्होंने टेम्परेचर अटेन कर लिया, हीट रख ली, तो वो रिलीज नहीं कर पाएंगे सराउंडिंग में, तो इसलिए इसको एडियाबेटिक ही माना जाता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मैं आपको एक शीट दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं करना हमने, ऑब्जेक्टिव शीट जितना हमने काम अभी किया इसके बेस पे एक ऑब्जेक्टिव शीट करते हैं, फिर
कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन पे आते हैं। एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक, सो ऑब्जेक्टिव शीट ये आपके पास है, आपके पास 10 मिनट हैं, 10 शायद 15 मिनट, क्योंकि 22 क्वेश्चन हैं, तो आपके पास 15 मिनट्स हैं। आप आराम से इसको ट्राई करो और फिर इसको डिस्कस करते हैं कैसे करना है। लाइट 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 चलाना, लाइट लाइट। आगे देना, आगे देना, स्टार्ट करो। एक सेकंड, बात नहीं करो, शीट को ट्राई करो एक बार। ये जो लोग जीआरबी पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे उनके अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जीआरबी में सारे सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो इस बार मैंने क्या किया, जिनके सोल्यूशन आपको मिलेंगे ना बुक्स में से, सॉल्व नहीं है ना कुछ प्रॉब्लम, तो मैंने वो अनसॉल्व्ड ही डाल दिए हैं। सोल्यूशन तो आपके पास है ही जीआरबी में, जो सॉल्व्ड है वो तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो या किसी और बुक से भी पढ़ सकते हो। ये वो प्रॉब्लम है जिसमें आप आई होप कुछ प्रॉब्लम में अटकोगे, तो अब मेरे पास डाउट्स कम लेके आओगे।
मुझे है, क्योंकि मैं खुद इसे अभी, क्योंकि अनसॉल्व्ड है, मैं सॉल्व करके खुद ही मैंने इसको कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के किया ही है, जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ऐसी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, अप्रोक्सीमेशन से हो रहा है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैंने खुद ही अभी बिना कैलकुलेटर के सॉल्व किया ही है अभी के अभी।
कहाँ पे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर विच फॉलो सी इज इक्वल टू आर डी, मतलब जो नॉर्मल गैस इक्वेशन रियल गैस इक्वेशन है सी इज इक्वल टू आर डी इसमें फॉलो करते हैं। ओके चलो मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे आपने, किसने सारी असाइनमेंट ट्राई कर ली एक बार? ओके चलो, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी एंड आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन आर 6.21 × 10⁻²⁻¹ जूल एंड 484 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। 600 केल्विन पर इसका जो बिहेवियर है वो क्या होगा? सबसे पहली चीज, जो आरएमएस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एमवी स्क्वायर, वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। कैसे करती है? कितने लोगों का ये क्वेश्चन ठीक है? कितना आंसर आ गया ये? एक कितना आंसर आ रहा है? डी। डी क्यों? एनर्जी डबल क्यों हो रही है? क्योंकि वी वी स्क्वायर होने से क्या होता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है वो 3/2 kT या NFRT जो मर्जी यूज कर लो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट सबको क्लियर है, पॉइंट नंबर वन। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आरएमएस, आरएमएस स्पीड कोई बताएगा कि इसमें आरएमएस स्पीड 684 क्यों है? रूट टू से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ठीक। तो रूट टू से मल्टीप्लाई किया, तो रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ रहा है? 684। क्या पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। इफ पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू व्हाट? 3P/2। इसको प्रेशर इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हाफ इंटू रो वी स्क्वायर आ जाएगा। Means P is equal to 1/3 × ρ × V का स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हाफ इंटू रो इंटू वी का स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा, 2/3 P हो जाएगा, विच विल बी या 2/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2, 3/2 P is equal to हाफ इंटू रो वी स्क्वायर। दिस इज दी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री में, कितने लोगों का आ गया हाफ? ओके तो इसमें यही फॉर्मुला लगाना है P का, P is equal to 1/3 × ρ × V का स्क्वायर, P is equal to 1/3 और डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम into V का स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकेंड इक्वेशन में मास को क्या कर देना है आपने? हाफ। तो सेकेंड इक्वेशन में, और वो क्या कह रहा है कि P की जो प्रेशर की वैल्यू है वो चेंज हो गई, तो इस केस में मास डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम into 2V का स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड कर लो तो P डिवाइडेड बाय P डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर मैंने आपको भी हिंट दिया था शुरू में कि स्पीड ऑफ साउंड के अंदर गामा आरटी बाय एम आता है और आरएमएस के अंदर 3 RT बाय एम आता है। जब डिवाइड करोगे तो 3 और गामा दोनों बच जाएंगे, तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय सी आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक? क्योंकि आरएमएस में 3 RT बाय एम है और साउंड में गामा आरटी बाय एम है, तो 3 और गामा बच गया, बाकी आरटी बाय एम क्या हो जाएंगे? कैंसल। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ऑन एनी प्लेनेट द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इंप्लाइज दैट वी आरएमएस इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या ना हो जाएं? एस्केप, बाहर ना निकल जाएं, इसलिए ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द सेम टेंपरेचर
द रेशियो ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज सेम. वाई सेम? बिकॉज टेम्परेचर की वैल्यू सेम है. तो पर मॉलिक्यूल पर ग्राम है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता पर ग्राम में. टेम्परेचर के ऊपर ही आपकी जो आरएमएस स्पीड है या काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वो डिपेंडेंट है. बाकी 3/2 kT बोल तो रहा हूँ, 3/2 kT में 3 भी कॉन्स्टेंट है, 2 भी कॉन्स्टेंट है और के भी कॉन्स्टेंट है. लेट सपोज कोई भी गैस है या NFRT/2, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी एक उसकी हाफ एम वी स्क्वायर जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है. अगर जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक. इसलिए इसका आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. हाँ, टोटल एनर्जी में चेंज आएगा. अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो टोटल एनर्जी में चेंज आएगा. NFRT/2 हमने किया था, ठीक. डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, उस पर डिपेंड करेगा. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया, कितना आंसर आ रहा है? 5.5 आ रहा है. तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाया, अंडर रूट ऑफ 3RT ऑफ हीलियम इज इक्वल टू कितने टाइम्स है, 5/7 टाइम्स 3RT बाय हाइड्रोजन, ठीक. तो यहां पर मास ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक. यहां तक तो इसको 2 पुट कर लेना और हाइड्रोजन के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू कितने की बने है, 273, ये आपको निकालना है. और हीलियम की जगह यहां पर क्या आएगा, 4, स्क्वेयरिंग करके T निकाल लेना, केल्विन में आएगा, डिग्री सेल्सियस में 5.5 के आसपास आएगा. नहीं आ रहा? अरे टी की वैल्यू आ रही है 278.5 केल्विन, टी 278.5 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में 273 माइनस कर लो, 5.5 आएगा, ठीक. क्वेश्चन नंबर 9 में कितने लोगों का आ गया, अलग आ रहा है इसमें. क्वेश्चन नंबर 8th, क्या क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में, एट व्हाट टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन विल हैव सेम आरएमएस वेलोसिटी एज मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने लोगों का आ गया ये वाला 8th, एट व्हाट टेम्परेचर वाला, अंडर रूट ऑफ 3RT बाय पहली गैस क्या है 28 इज इक्वल टू टेम्परेचर निकालना है 3R, टेम्परेचर सेकेंड कितना है 400 और गैस क्या है ऑक्सीजन 32. तो यहां से सॉल्व करके T निकाल लो, T की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, जो कि सॉल्व करके कितनी आ रही है 350 केल्विन, 350 केल्विन का मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना आ रहा है 77 डिग्री सेल्सियस, ठीक है यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोगों का आ गया क्लोज्ड वेसल ए, आंसर नहीं आ रहा. आंसर इसका 14:1 के लिए आपको लगाना पड़ेगा PV इज इक्वल टू NRT. तो इसमें आप अप्लाई करो PV इज इक्वल टू NRT, ये रहा P इज इक्वल टू NRT बाय V. P इज इक्वल टू N का मतलब मास ऑफ, जैसे नाइट्रोजन कैपिटल M ऑफ नाइट्रोजन RT बाय V. एक बार इक्वेशन लिखो नाइट्रोजन के लिए, एक बार इक्वेशन लिखो सेकेंड गैस कौन सी है हीलियम के लिए, एक बार नाइट्रोजन के लिए एक बार हीलियम के लिए, दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा. तो पॉइंट सबको क्लियर है, तो बेसिकली तो केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन हो गया, PV इक्वल टू NRT, ठीक है ना, एक बार नाइट्रोजन के लिए और एक बार हीलियम के लिए. तो 14:1 आ रहा है आंसर, ठीक है. 7/1 क्यों आ रहे हैं, आपने 28 और 4 पुट किया मासेस, हीलियम का 4 और नाइट्रोजन का 28 आएगा, ठीक है ना, ठीक. तो एक बार हीलियम के लिए एक बार नाइट्रोजन के लिए, मासेस आपको पता है और कैपिटल एम की वैल्यू नाइट्रोजन हीलियम की पता है, डिवाइड कर लेना आंसर आएगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कितने लोगों का आ गया, आंसर नहीं आ रहा, 50 × 10⁻²² आ रहा है, ओके. तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगने है, 1/3 × ρV, ओके. कितना आ रहा है, एक बार करेक्शन करवा दो, 50 × 10⁻³² ओके, करेक्शन कर लो प्लीज, ऑप्शन में 50 × 10⁻² या 5 × 10⁻³ एक ही बात है, हाँ ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द RMS velocity of the particle is VRMS at pressure P. If pressure is increased 2 times, तो RMS में क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है. नेक्स्ट है, मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ई एंड प्रेशर पी ऑफ अ परफेक्ट गैस आर रिलेटेड एज,
आ गया। तो इसमें 1/3 रो वी स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज वेसल फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेन्स अ मास एम ऑफ एन आइडल गैस, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड बीइंग वी, एडिशनल मास एम ऑफ द सेम गैस इज पंप्ड सो दैट प्रेशर राइजेस टू 2p, द टेम्परेचर रिमेनिंग द सेम, द रूट मीन स्क्वायर अगेन इट विल रिमेन। पता नहीं कैसे कैसे तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे, बस आरएमएस के ऊपर। एक मैंने आईआईटी के भी कुछ उसमें प्लस टू में, मैं अभी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था, मैंने आईआईटी के अंदर देखा, वो बच्चा दिखा रहा था एक, उसमें 37 ईयर पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन था, पता नहीं कौन कौन सी उसने गैसेज मिक्स कर रखी थी, हीलियम नाइट्रोजन पता नहीं क्या कुछ, एंड में बोल दिया कि टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो बताओ आरएमएस स्पीड का क्या होगा, उसका आंसर एक लाइन का था सेम, बस वो थोड़ा सा बड़ा करके बनाया हुआ था। तो आपको भी शायद मिलेगा जब आप सॉल्व करोगे, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी आर, ये तो फैक्ट है, बी ऑप्शन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन आरएमएस, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरएमएस की इसका फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 3kT/m लगा लो, आरटीबी की जगह केटी, 3kT/m, और एवरेज स्पीड के लिए अंडर रूट ऑफ 2kT/m, 3kT/m की जगह 2kT/m डिवाइड करोगे तो 3/2 का अंडर रूट। नेक्स्ट है कंसिडर गैस विद डेंसिटी रो एंड सी इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अब अगर सिस्टम मूव विद वेलोसिटी वी तो प्रेशर का क्या होगा, आरएमएस स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, कार में लेके जाओगे तो आरएमएस स्पीड थोड़ी ना बढ़ जाएगी कोई उसकी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जहां मर्जी ले जाओ आरएमएस स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा। ये देखो मैं बताया ना कई कई तरीकों से पूछता जा रहा है, तो टेम्परेचर में सेम आरएमएस में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कितने लोगों का हो गया, नेक्स्ट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री इज कितना, 6.2 × 10⁻²⁻¹, तो 227 पे क्या होगा। देखो ना जो एनर्जी एवरेज वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर, सिंपल है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एनर्जी पहले केस में आपको कितने की बना है, 6.2 × 10⁻²⁻¹, और टेम्परेचर पहले केस में कितना है, 300, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा रहा हूं मैं। एनर्जी सेकेंड केस में निकालनी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, 500, तो इसको डिवाइड कर लो, ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ई की वैल्यू कितनी आ रही है, सी ऑप्शन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ एन आइडल गैस, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पीवी इक्वल टू आरटी, कुछ है ही नहीं इसमें, तो पीवी वैसे ही कॉन्स्टेंट होता है इसमें, तो इसका ग्राफ डी ऑप्शन आएगा, पीवी इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है 1000 cc, ये हो गया, इसमें सिंपल क्या लगाना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो इसमें जो वॉल्यूम चेंज करना है 1000 की जगह वी डैश, टेम्परेचर 300 की जगह 600, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी को डिवाइड करके दो केसेस बना के आप केमिस्ट्री में करो तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है V1 by V2 RMS is, देखो जो RMS speed है that is inversely proportional to under root of m, 3RT/m, under root of m आएगा, तो इसलिए इसका option D option आएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। Next है 10,000 small balls each weighing 1 gram strike 1 square centimeter of area per second with a velocity of 100 meter per second in a normal direction, rebound with the same velocity, तो The value of pressure on the surface will be equal to what? कितने लोगों का आ गया? Pressure क्या होता है? Force upon area. Force क्या होता है? Change in momentum. m into v - 2mvx. लगाओ. Change in momentum. 2mv. एक ball का change in momentum क्या होगा? 2mv. ठीक. तो एक ball का change in momentum is equal to 2 × m × v. और कितनी balls हैं? 10,000. 10,000 balls का 2 × m × v का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है यहां तक, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास m पता है, आपके पास v पता है, तो पुट कर लेना 10,000 × 2, मास कितना है 1 gram, इंटू वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 100, ये आपके पास टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम, और टाइम की वैल्यू कितनी है, हाँ ऐसे ही कर सकते हो, ऐसा कर लो क्योंकि चेंज इन मोमेंटम तो आ ही गया, ये पर सेकेंड है बेसिकली, बेसिकली आपको टाइम अगर कुछ गिवन नहीं है तो आपको पर सेकेंड के साथ ही निकालना पड़ेगा। तो कह रहे 10,000 स्मॉल बॉल्स ईच वेइंग 1 gram स्ट्राइक 1 square centimeter ऑफ एरिया पर सेकेंड, क्वेश्चन में गिवन नहीं है पर सेकेंड, तो टाइम की वैल्यू क्या लेके चलनी है 1 second, तो चेंज इन मोमेंटम को अगर टाइम से 1 से डिवाइड करोगे तो ये क्या जाएगी, एवरेज फोर्स। क्या पॉइंट सबको क्लियर है, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड किया तो फोर्स आ गई, और इसको जो प्रेशर होता है वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे किसकी वैल्यू आएगी, प्रेशर की। क्लियर यहां तक, एरिया आपको गिवन ही है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई डाउट है इसमें?
रितेश। और लास्ट क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया? जब भी गैसेस मिक्स होती हैं, हमने मैंने आपको एक शीट भी दी थी, इंटरनल एनर्जी ऐड हो जाती है, यू इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू, ऐसे करते हैं। और यू होता क्या है? एन एफ आर टी बाय टू, तो एन वन प्लस एन टू इंटू एफ इंटू आर टी बाई टू इज एन एफ इंटू आर टी वन बाई टू प्लस एन टू इंटू एफ इंटू आर टी टू बाई टू। ठीक है यहां तक? तो यहां से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आएगी? एन वन इंटू टी वन एन टू इंटू टी टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक, तो काइनेटिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब से थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की है मैंने, जो एक्स्ट्रा सेशंस कुछ इस तरीके से अब ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए फिजिक्स में क्या है कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, घर जाके ना बुक सॉल्व करनी बहुत मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को। तो एक तो तरीका होता है कि आप पूछते रहो, क्योंकि 7 बजे का टाइम फिक्स किया हुआ था हमने, तो कोई बुक नहीं सॉल्व हो रही तो आप लेके आ सकते हो। ठीक, तो मैं आपको उसी टाइम, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, हर साल स्टूडेंट बुक उठाता है, जैसे अभी मैंने अनमोल कहाँ गया, वो अनमोल कहाँ है, मैंने कहा था करके लाइए, तो उसने सीधा डीसी पांडे की आईआईटी की अगर 37 ईयर के पेपर ही उठा लेगा, तो यार पहले दिन अगर आईआईटी का पेपर ही सॉल्व हो जाएगा फिर 1.5 साल क्या करोगे? फिर टाइम भी तो देखो बहुत है ना हमारे पास अगर आज ही पेपर। तो प्लीज़ स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करो। एक तीन लेवल में काम होता है देखो किसी फिजिक्स में, ये बात पक्की है। एक तो नॉर्मल एस एल अरोड़ा टाइप, सीबीएसई टाइप, उसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत सिंपल बुक है। ठीक, तो सेकेंड लेवल का जो काम है वो जेई मेन्स टाइप है। आपने जेई मेन्स का पेपर देखा है? नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा है? मतलब देखते रहते हो, पुराने पेपर देखे हैं? कितने देखे हैं? कितने? ओके, और इस बार का जेई मेन्स का पेपर पता है क्या था? थर्मो का, इसमें फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन क्या आया था? जो आपकी एंट्रोपी है और इंटरनल एनर्जी, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे या फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। केमिस्ट्री में शायद सुना होगा आपने, ये स्टेट फंक्शन है। ठीक है, ये जे मेंस का क्वेश्चन था एक इस बार का, 2015 की बात हो रही है। 13, 12, 10 तो बहुत आसान माने जाते हैं। ये एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था, एक आपको ग्राफ गिवन है, पीवी डायग्राम, उसके अंडर एरिया निकालना था, उसका वर्क डन है। ठीक, मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। पेपर मैं आपको नेक्स्ट टाइम, जो नेक्स्ट क्लास होगी, मैं आपको एक ना एक ग्लांस देना चाहता हूँ, जिस चीज को आप कर रहे हो उसका ना आपको आइडिया होना चाहिए। मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। एक बात, एक क्रिकेट का मैच है, छोड़ो फिजिक्स को यार, मैच खेलते हैं। ठीक, एक क्रिकेट का मैच है और आप बहुत बड़े प्लेयर हो, या अपने आपको बहुत बड़ा प्लेयर समझते हो कि मैं तो सेंचुरी मार के निकलूंगा। कोई कोच आपको ये नहीं कहेगा जाके ना हर बॉल पे सिक्स मार दियो, क्यों कहेगा यार? वो क्या कहेगा? बॉल
एडवांस में है, वो क्वेश्चन है, पुराना थोड़ा वो है। इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, केटीजी का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक दो चीजें ये पता होनी चाहिए कि सीपी और सीवी के अंदर क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास बाद में भी आए थे, सर सीपी सीवी में समझ नहीं आता कि कब सीपी लगाना है कब सीवी लगाना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एक सिंपल तरीका बताता हूँ, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, वो हमने कल भी डिस्कस करना है, क्योंकि कल का लेक्चर पूरा कैलोरीमेट्री और सीपी सीवी और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ही है। कॉन्सेप्ट के अलावा मान लो एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल में साफ कह रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर काम करो, मतलब ही नहीं है कि सीपी लग जाए, बोल ही दिया उसने कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो गैस का क्या कंसिडर करना है, सी वी कंसिडर करना है। नंबर टू, सपोज उसने कह दिया कांस्टेंट प्रेशर पे काम करना है, सवाल ही पैदा नहीं होता, कांस्टेंट वॉल्यूम सी पी। अगर वो ये बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स वन है, टेम्परेचर चेंज वन केल्विन है, लेट अस सपोज, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी गैस को गर्म करने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अकेला सीपी आएगा। कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे पिछली एक्स्ट्रा क्लास में भी, सर अकेला सीपी कैसे लिख दिया, मैंने अकेला सीपी नहीं लिया, मैंने डी क्यू इज इक्वल टू एन एन सी पी डी टी लगाया, तो डी क्यू नंबर ऑफ मोल्स वन है इंटू सी पी इंटू डी टी का मतलब भी वन है, तो डी क्यू किसके इक्वल हो गया, सी पी। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स टू के वन होंगे टू लगा लो, अगर राइजिंग टेम्परेचर 60 केल्विन है 60 केल्विन लगा लो, तो अगर आपको सीधा सीपी सीवी समझ में नहीं आ रहा आप ऐसे लगा लो, क्या प्रॉब्लम है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा क्लास जब कल लगाई थी उसमें एक दो क्वेश्चन थे, किसी में मैं लगा रहा था डी क्यू इज इक्वल टू एन इंटू सी पी इंटू डी टी, और किसी में अकेला सीपी लिख रहा था मैं, तो कई लोग पूछ रहे थे कि सर कैसे पता लगता है कि ये एन सी पी डी टी लगेगा, आप एक ही फॉर्मूला याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रहा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कितने वन है वन पुट कर लो, टेम्परेचर चेंज कितना है वन है वन पुट कर लो, सीपी आ गया। समझ में आई बात, तो कब सीपी लगाना है कब सीवी लगाना है, अगर नंबर ऑफ मोल्स वन टेम्परेचर चेंज वन है सीपी सीवी, हीट ही सीपी सीवी हो जाएगी, बात खत्म हो गई। क्या है पॉइंट क्लियर है। नंबर टू, कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है, नहीं गिवन होता, उन क्वेश्चन में एक चीज गिवन होती है, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। तो हीट रिक्वायर्ड डी क्यू टू चेंज द इंटरनल एनर्जी डी यू, ठीक। अब कई लोगों ने ना याद किया हुआ है कि मैंने क्लास में कहा था डी क्यू का मतलब सी पी लगा लेना, डी यू का मतलब सी वी लगा लेना, पर एक मिनट सोचो, उसने कहा हीट चाहिए टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, मतलब एज अ गैस मुझे वर्क डन नहीं करना, एज अ गैस मुझे वर्क डन नहीं करना, अगर मुझे वर्क डन नहीं करना तो डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू, मानते इस चीज को। तो ऐसे केस में डी यू के अंदर हम हमेशा क्या लगाते हैं, सी, डी यू में तो सीपी लगता ही नहीं है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी, अगर सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करनी है तो उस केस में हम वर्क डन को क्या लेते हैं, जीरो, सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में चली जाती है, तो डी यू की वैल्यू में क्या लिखेंगे, एन इंटू सी वी इंटू टी टी। क्या पॉइंट क्लियर है। तो कई लोग पूछ रहे थे सर ये तो डी क्यू है, अब डी क्यू के केस में आपको क्या लिखना चाहिए था, सीपी लिखना चाहिए था, पर आपने क्या लिख दिया, सीवी। सीवी क्यों लिखा, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में पढ़ा कि उसने वर्क डन को करने से मना किया है, डीडब्ल्यू जीरो लिया है, और सारी की सारी हीट वो किस फॉर्म में ले रहा है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। कोई डाउट इसमें, ये स्टेप सबको क्लियर है, ठीक। तो सीवी लगेगा, आप प्लीज डी क्यू से बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज ना करो कि सीवी लगेगा या सीपी लगेगा। आप क्वेश्चन में देखो, अगर तो कांस्टेंट प्रेशर बोलता है कांस्टेंट वॉल्यूम बोलता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो साफ ही बता रहा है, ठीक। उन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है जिसमें ये नहीं पता होता कि कांस्टेंट वॉल्यूम है या कांस्टेंट प्रेशर है, उसमें ये देखा जाता है कि जो हमसे वो हीट मांग रहा है सिस्टम में उसका करेगा क्या। अगर वो ये कह रहा है कि मैं तो टेम्परेचर गर्म भी करूंगा गैस का और वर्क डन भी करूंगा, तो ठीक है फिर तो सीपी कर। और अगर वो कह रहे हैं कि मैं पिस्टन को मूव नहीं करूंगा सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही इंक्रीज करूंगा, इसका मतलब सी वी लेगा। क्या ये रूल क्लियर है। तो सीपी सीवी में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती अगर आपको ये पता है कि वो हीट का करेगा क्या।
और ना भी दे हमें, ना सीपी दे, ना सीवी दे, ना कांस्टेंट वॉल्यूम दे, ना कांस्टेंट प्रेशर दे, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमें क्या लगाने हैं। ये स्टेप क्लियर है? ठीक। नंबर टू, अब सीपी सीवी के अंदर हमने वैसे तो कल का लेक्चर रखा हुआ है इसके ऊपर, पर अभी के लिए सीवी की वैल्यू होती क्या है, मेयर रिलेशन भी किया था, आर बाय गामा माइनस वन, और सीपी की वैल्यू क्या होती है, गामा इंटू आर बाय गामा माइनस वन। कोई डाउट है इसमें? क्लियर यहां तक? तो क्वेश्चन है, सर्टन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस, लिखो, सर्टन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। सर्टन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल, द वेसल इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, द वेसल इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी। एक गैस है, आइडियल गैस है, कंटेनर में है, कंटेनर मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी। फाइंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, फाइंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस व्हेन वेसल इज सडनली स्टॉप्ड, फाइंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस व्हेन वेसल इज सडनली स्टॉप्ड। एकदम रोक दिया, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड दी राइज इन टेम्परेचर ऑफ दी गैस। अब देखो, काइनेटिक थ्योरी भी आएगी, सीवी भी आएगा और डेल्टा टी भी आएगा, तो एमसी, देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, उसको रोक दिया, हाफ एम वी स्क्वायर खत्म हो गया, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एमसी डेल्टा टी। शुरू करो, मैं ऑप्शन दूं आपको, चार ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शंस हैं, ठीक, ए बी सी डी, इसका आंसर है मेरे पास एक्चुअली। इसका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है एम वी स्क्वायर गामा माइनस वन बाई टू आर, नेक्स्ट है टू एम वी स्क्वायर गामा माइनस वन, नेक्स्ट है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इंटू गामा, और लास्ट ऑप्शन है नन। नन आती नहीं है वैसे, नन का रूल बंद कर दिया है कंपटीशन वालों ने, जेई मेन्स और पीएमटी में तो क्लोज है ऑप्शन, ये नहीं आएगा, पहले आता था 2005 6 7 के जेई मेन्स के पेपर में, पीएमटी में नन दे देते थे, इट वाज सो कंफ्यूजिंग, वो पूरा क्वेश्चन बच्चा को पूरा सॉल्व करना ही पड़ता था, तो उन्होंने नन ही बंद कर दिया। अब देख लेना रिसेंटली आए हुए पेपर में कभी नन नहीं आएगा, अच्छा ही हो गया, नन में बहुत कंफ्यूजन होती है, मेरा सही निकला या मैं नन करूं। ए आ रहा है कैसे? अब ये मत कहना कि हाफ एम वी स्क्वायर मिलता जुलता अंदाजे से लग रहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में आंसर आएगा, थोड़ा और बेटर करके समझा दो, सोल्यूशन ना देखते हुए बता दो ज्यादा बेटर है, हाफ एम वी स्क्वायर से। ओके, आप ऐसा करो, इसे गैस के पास कौन सी एनर्जी है बोलो, हाफ एम वी मानते हो, रुक गई गैस, सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इंक्रीज इन दी इंटरनल, इंटरनल एनर्जी के लिए क्या लगाओगे, सीवी, एन सीवी डेल्टा टी लगाओ, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। और वो कैपिटल एम है, वो कैपिटल एम है, वो स्मॉल एम नहीं है, स्मॉल एम ग्राम ऑफ गैस नहीं है, कैपिटल एम है, मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एम बाय कैपिटल एम में करना पड़ेगा। आ गया? सो इसमें आपने क्या करना है, इसमें कि सपोज आपके पास एन सी वी डी टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर डी टी है, तो एन इंटू सी वी इंटू डी टी, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट है, मुझे एक चीज पता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, स्मॉल एम इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एम, इसकी जगह यहां पुट कर देते हैं एन इंटू, और सी वी का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डी टी इज इक्वल टू हाफ इंटू एन इंटू कैपिटल एम इंटू वी का स्क्वायर, एन से एन क्या हो गया कैंसल, तो यहां से डी टी निकाल लो, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ए।
तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें सीपीसीवी भी यूज होगा और जिसमें एनसी डेल्टा टी भी यूज होगा। बस ये देखना है कि अगर कोई चीज रुकती है तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे होगा क्या। उससे सिर्फ गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जिस वजह से, यानी कि इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी है। क्या पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? और जिसको तो आता था वो तो कहता था आसान हो गया, जो पढ़ा ही नहीं वो कहता था यार पता नहीं क्या बोल रहा था, सीपीसीवी टेम्परेचर चेंज। डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, किसी का कोई क्वेश्चन ठीक निकलता है यार अब आप इतने बड़े तो हो ही गए हो, कोई कहता है यार क्वेश्चन में था ही कुछ नहीं, कोई कहता है क्वेश्चन बड़ा मुश्किल था, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस है। हाँ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सच में काफी ज्यादा इंटीग्रेशन को कैरी करते हैं, वो थोड़ा जरूर है, वो उनमें से नहीं था, आसान में से था। जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अ पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड, अ पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड अ डे, पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड अ डे इफ टेम्परेचर इज, अ पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड अ डे इफ टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड अ डे इफ टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस एंड गोज फास्ट बाय, एंड गोज फास्ट बाय 4 सेकेंड अ डे, एंड गोज फास्ट बाय 4 सेकेंड अ डे इफ टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, एंड गोज फास्ट बाय 4 सेकेंड अ डे इफ टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड टेम्परेचर एट विच पेंडुलम विल शो करेक्ट टाइम, फाइंड टेम्परेचर एट विच पेंडुलम विल शो करेक्ट टाइम। तो आपको टेम्परेचर बताना है कि जब पेंडुलम एकदम करेक्ट टाइम, और ये थर्मल एक्सपेंशन का प्लीज क्वेश्चन है, अल्फा हमने लास्ट कल लेक्चर लगाया था, अल्फा के ऊपर क्वेश्चन है। तो अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, टाइम पीरियड में चेंज आएगा। फाइव है कैसे? सर टी इक्वल टू 2 पाई ओवर बाय जी, और सर एक में जब लूज होगा तो 12 सेकंड ऐड आएंगे, और जो ये पास्ट होगा 2 4 सेकंड्स माइनस। आया नमन, नमन नया दिपांशु आ गया। हमने टाइम लॉस और टाइम गेन पे ऊपर क्वेश्चन किया था, मैंने थ्योरी में शायद लिख के भी दिया था, दो केस बना के दिए थे। तो नॉर्मली उसको थ्योरी को मत ही रेफर करो क्योंकि भूल जाओगे 6-8 महीने बाद कौन सी थ्योरी क्या थी। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है आपको खुद ही बनाना चाहिए, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, लेंथ इंक्रीज होगी तो एल इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, कुछ इस तरीके से काम करना है। सबसे पहले आप टाइम पीरियड में आपने इसको अगर सॉल्व किया तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हमने निकाला था, मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ, ये कर लोगे उसे, टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई, ये सब कर लोगे, एल इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा थीटा लिख लेते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई जी मैंने सिखाया था, और टी का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो टी डैश बाई टी किसके इक्वल था,
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, टी डैश बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा रेज टू पावर 1 बाई टू। ठीक, फिर मैंने कहा था बाइनोमियल लगा लेना, बाइनोमियल लगाओगे तो टी डैश बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, तो यहाँ से टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस टी इंटू हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, तो टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू टी इंटू हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो ये क्या आ गया, चेंज इन टाइम पीरियड। तो चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी की वैल्यू आपको लिखनी है टी इंटू हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक, वेयर कैपिटल टी इज द करेक्ट टाइम पीरियड। क्लियर यहां तक? अब क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशनड है कि क्वेश्चन के अंदर आपको यह मेंशनड है दैट पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड अ डे, 12 सेकेंड वो लूज करता है अ डे। तो एक काम करते हैं, इसको ना डेल्टा टी बाई टी की फॉर्म में लिख लेते हैं, हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड में कितने सेकेंड चेंज हुआ, 12 सेकेंड। और करेक्ट टाइम कैपिटल टी कितनी देर में, अ डे, अ डे का मतलब पूरे दिन में 24 घंटे, 24 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू। अब करेक्ट टेम्परेचर निकालना है और आप चेक कर सकते हो जो पहला केस है वो कितने टेम्परेचर पर है, 40, दूसरा 20। इसका मतलब करेक्ट टेम्परेचर अगर टी है और आप अपने पेंडुलम को किस पे लेके गए हो, 40 पे, इसका मतलब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो चेंज इन टेम्परेचर में 40 माइनस टी, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक, वेयर वेयर कैपिटल टी की जगह ना यहां पर थीटा लिख लेते हैं, नहीं तो आप टाइम पीरियड में कंफ्यूज रहोगे। मान लो थीटा इज द करेक्ट टेम्परेचर, तो थीटा अगर करेक्ट टेम्परेचर है और मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो मैंने कितना कर दिया, 40, 40 में से थीटा माइनस हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड केस में कितना लूज करता है, 4, और 24 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू। अब सेकेंड केस में टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, कम, तो कितना हो गया, थीटा माइनस 20। इन दोनों को डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करके थीटा अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, क्या पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? एक क्वेश्चन है जो हमने केटीजी की जो असाइनमेंट थी, शायद फर्स्ट असाइनमेंट ही थी, उसका लास्ट क्वेश्चन था, मुझे छोड़ना पड़ा था उस टाइम क्योंकि मैंने कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नहीं किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आर्कमिडीज के साथ है और ज्यादातर थर्मल एक्सपेंशन हमने कल का लेक्चर भी पूरा अटेंड किया, आपने नोट किया होगा, आर्कमिडीज के साथ ही लगा हुआ है, आर्कमिडीज के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन है, उनमें से एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसके अंदर सपोज क्वेश्चन है थर्मल एक्सपेंशन का, क्वेश्चन है व्हेन अ ब्लॉक ऑफ आयरन, असाइनमेंट कौन खोलेगा, सीधा ही एक मिनट लिख लो, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ आयरन फ्लोट्स इन मर्करी एचजी, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ आयरन फ्लोट्स इन मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस, व्हेन ब्लॉक ऑफ आयरन फ्लोट्स इन मर्करी, व्हेन ब्लॉक ऑफ आयरन फ्लोट्स इन मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रैक्शन K1 ऑफ इट्स वॉल्यूम, फ्रैक्शन K1 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज submerged, फ्रैक्शन K1 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज submerged, while एट 60 डिग्री सेल्सियस, while एट 60 डिग्री सेल्सियस फ्रैक्शन K2 इज submerged, while एट 60 डिग्री सेल्सियस फ्रैक्शन K2 इज submerged, मतलब कि K1 0 डिग्री सेल्सियस पे submerged है और K2 60 डिग्री सेल्सियस पे समझ ले। कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ आयरन, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज गामा आयरन एंड मर्करी इज गामा मर्करी। तो प्रूव करना है आपने इसमें K1 बाई K2 इज इक्वल टू 1 प्लस 60 इंटू गामा ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 60 इंटू गामा ऑफ, या आयरन अपॉन गामा ऑफ मर्करी, ऐसा ऊपर ऊपर आयरन है नीचे मर्करी, दोनों की फ्रैक्शन की रेशियो ये आएगी। ठीक, मतलब ऑप्शन में से एक मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं, ये प्रूफ करना है। आर्कमिडीज लगाओ 0 डिग्री पे, आर्कमिडीज लगाओ 60 डिग्री पे और चेक करो।
कल मॉर्निंग में किसकी किसकी ट्यूशन्स हैं? 9 बजे किसकी है? 9 बजे आपकी है। 10 बजे किसकी है? कितने बजे? 10 से 11, 11 से 12 भी है? 11 से 12 भी है। ओके, 1 मिनट, 12 बजे, 12 से, हाँ 12 से 1.5 किसकी ट्यूशन है? 12 से 1.5 कहाँ पे? और सेम केमिस्ट्री की, बाकी फ्री है। सुबह? हाँ सुबह ही रखनी पड़ेगी यार, क्या करें यार। कितने बजे? तो कोई बात नहीं, 9 तो छोड़ दूंगा मैं, ओ करवा दूंगा वो तो तुम्हारा, कोई बात। 7:30 सुबह? देखो दो ऑप्शन है, या तो मेरे पास टाइम 12 से 1.5 बजे का है, क्योंकि मैं, मेरी 1.5 बजे फिर क्लास है +2 की। कितने लोगों को प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम है मॉर्निंग, या फिर 7:30 बजे है, कितने लोगों को प्रॉब्लम है? सुबह आना पड़ेगा बस, सोने के अलावा 9 बजे चले जाना, जहाँ जाना है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। सोने की प्रॉब्लम है, मतलब सुबह उठना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है प्रेरणा, ये प्रॉब्लम है यार। क्या हुआ, ट्यूशन है? कितने बजे? 8 बजे, 2 स्लॉट नहीं होता, एक ही है। सुबह 8 बजे, 8:30 शुरू हो जाता है, 8:30 नहीं हो सकती, 9, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 1 भी, क्या वो टाइम तो बचा ही नहीं यार, पूरा दिन तो आप बिजी रहते हो। हाँ संडे तो ओवरलोड हो जाता होगा ना। संडे, मंडे को बताओ, मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग बेस्ट है, संडे को छोड़ो। हाँ, चलो आफ्टरनून कर लो, मंडे को सुनो, मंडे को आफ्टरनून में क्या कहीं ट्यूशन है तेरी अक्षत? सुबह ट्यूशन है? नहीं वो चल, इतना तो कर लेगा एडजस्ट। तो मैं कौन सा 7:30 बुला रहा हूँ, 9:30 बुला रहा हूँ, सेम टाइम। मंडे को 9:30 बोलो, और इसके अलावा दो, कितने बजे? 9:30, तो 9:30 कह रहा हूँ मैं भी। अच्छा 10 बजे कर लेता हूँ फिर, 10 बजे कर लेता हूँ, इट्स ओके। मंडे, मंडे 10 o'clock बिल्कुल सही है, और टाइम भी एकदम सही है और परफेक्ट है, एकदम डन। देख लो कोई प्रॉब्लम अभी, ठीक है मंडे 10 बजे, ठीक है मंडे 10 बजे की क्लास होगी। बोलो बोलो, किसका? नहीं संडे टेस्ट नहीं है, टेस्ट के लिए अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर से आपको आज रिवाइज करवाया ना, तो मंडे को 2 घंटे की क्लास लूंगा मैं, जिसमें 15-10 मिनट की ब्रेक भी ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके अंदर मैं आपको कैलोरीमेट्री थर्मोमेट्री तक एकदम रेडी करना चाहता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि फर्स्ट लॉ एक बार शुरू हो गया ना, कम से कम 200 न्यूमेरिकल तैयार है, कम से कम, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल्स का। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जल्दी करूँ या इस तरीके से करूँ, आराम से करूँगा, और उससे पहले पहले सारा जो ये जो ABCD जो टॉपिक चल रहे हैं वो सारे एकदम क्लोज करना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो ठीक है फिर, मंडे को डन हो गया सुबह 10 बजे, ठीक है। मंडे को डेट क्या है बता दो, 28, ओके डन, ठीक है। कितने लोगों का हो गया? ओके कर लो, 2 मिनट है आपके पास। आर्किमिडीज लगाओ 0 डिग्री सेल्सियस पे, आर्किमिडीज लगाओ 60 पे, कोई राइट फॉर्मूला नहीं लगाना। नहीं यार अगले साल फॉर्मूला याद नहीं रहते किसी को, और मैंने कल भी आपको कहा था एक्स्ट्रा क्लास में, शाम वाली क्लास में भी कहा था, स्कोर लो है प्रॉपर्टीज का, थोड़ा सा स्कोरिंग थोड़ी सी लो है, थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए। तो +2 का टेस्ट होने वाला है प्रॉपर्टीज का, मेडिकल का अलग होता है, नॉन मेडिकल का उनका अलग होता है, तो मतलब उनका हम सेम नहीं लेते, क्योंकि अभी तक तो चलता है सेम, उस टाइम फिर वो नॉन मेडिकल का लेवल एकदम हाई हो जाता है और मेडिकल का ठीक लेवल पे चलता है, तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन डालते नहीं है उनको। तो अगर किसी ने देना है तो +2 वालों के साथ मैं आपका अरेंज करवा दूंगा, नेक्स्ट संडे को होगा मे बी, लेकिन लेवल में थोड़ा सा चेंज होगा, जो इस संडे को लेवल आया था उससे तो पक्का ही ऊपर होगा, क्योंकि उतना तो वो बड़े आराम से कर लेंगे, सेकेंड टाइम कर रहे हैं वो। अगर आपको भी फिर से एक बार प्रॉपर्टीज करवाया जाए तो आप उन लेवल को तो कर ही लोगे क्रॉस, लेवल ज्यादा होगा थोड़ा सा, आप तैयारी करके आना, ठीक? देखो जरा करो,
कितने लोगों का हो गया? वाह गुड, बहुत बढ़िया। आर्कमिडीज लगाया? बढ़िया। आर्कमिडीज लगाया? सही सही, वो तो 60 डिग्री पे लगाया। ओके मैं एक बार बताता हूँ। ठीक किया, सही कर रहे हो, सीधा लगा सकते हो। देखो सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आयरन आयरन फ्लोट कर रहा है मरकरी में। ठीक, आयरन फ्लोट कर रहा है मरकरी में, तो मरकरी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ आयरन। पीछे लिख दूं, एट 0 डिग्री, दोनों के दोनों किस पे चल रहे हैं? एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसके अंदर जो आयरन है, जो आयरन है उसका वॉल्यूम मान लो कितना है? वी आयरन एट 0 डिग्री सेल्सियस, वी आयरन एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैं होल वेट लिख रहा हूं, होल वेट में इतना वेट आ गया, इतना वॉल्यूम आ गया, इनटू डेंसिटी ऑफ आयरन एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वॉल्यूम भी टेम्परेचर से चेंज होता है और टेम्परेचर भी चेंज होता है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू जी। ये स्टेप क्लियर है? पहला मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड। मुझे एक चीज बताओ, उसने कहा फ्रैक्शन, कितनी फ्रैक्शन वॉल्यूम की लिक्विड के अंदर है? K1 इंटू इंटू K1 किसकी फ्रैक्शन है? वॉल्यूम ऑफ आयरन। ऑब्वियसली जो ये फ्रैक्शन आई, देखो उसने बोला ना कि K1 फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर है, K1 किसकी फ्रैक्शन है? वॉल्यूम की, और किसकी वॉल्यूम? आयरन की वॉल्यूम। तो आयरन की वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस जितना भी होगा, K1 फ्रैक्शन उसका सबमर्ज्ड है। कोई डाउट इसमें? देखो पहले जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो वॉल्यूम के केस में इतना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, और इतने वॉल्यूम का मतलब K1 फ्रैक्शन है और किसका? आयरन का, एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 0 पे चल रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है? तो K1 इनटू वॉल्यूम ऑफ आयरन एट 0 इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ क्या? Hg एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू क्या? स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है, वेट ऑफ मैंने क्या निकाला? इसके अंदर वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड में क्या? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, और 0 0 लगा लिया ताकि हमें याद रहे पूरा एक्सपेरिमेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करो, अब टेम्परेचर कितना कर दो? 60 डिग्री। 60 डिग्री में सेम इक्वेशन सेम है, वॉल्यूम ऑफ आयरन एट 60 डिग्री, डेंसिटी ऑफ आयरन एट 60 इंटू जी। को डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? 60 60 कर दिया, और यहां पर आए फ्रैक्शन कितना हो गया? K2 आयरन एट 60, मरकरी एट 60 इंटू जी। पूरा का पूरा जो जो पूरी इक्वेशन है वो 0 की बजाय किस पे हो गई? 60 पे। एनी डाउट? समझ में आ रहा है यहां तक? सो इसके अंदर इन दोनों को जरा डिवाइड करो, डिवाइड करो। आपको K1 इज टू K2, ओके डिवाइड करना है तो K1 इज टू K2 या जैसे भी करना है इनको डिवाइड कर लो। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो डिवाइड करोगे तो K2 बाई K1 वॉल्यूम आयरन 60 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू 60 इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ आयरन एट 0 मरकरी एट 0 इंटू जी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आयरन एट 60 इंटू डेंसिटी ऑफ आयरन एट 60 इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ आयरन एट 0 डेंसिटी ऑफ आयरन 0 एट जी। जी से जी, जी से जी, यहां से ये वॉल्यूम, यहां से ये वॉल्यूम क्या हो गया? कैंसल, और सिर्फ क्या बच गई? डेंसिटी। ठीक, अब लास्ट स्टेप देख लो, इसके अंदर आपको जो वैल्यू निकालनी है वो उस वैल्यू में आपको जो प्रूव करना है वो भी चेक करो, कौन सी डेंसिटी रखनी है, कौन सी डेंसिटी हटानी है। तो चेक करो,
आपको आपका आंसर किस फॉर्म में चाहिए? गामा ऑफ आयरन और गामा ऑफ मरकरी एट 60, जो प्रूव करना है उसमें जीरो होना चाहिए, जो प्रूव करना है उसमें 60 चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप इसमें डेंसिटी का रिलेशन यूज कर लो या आप इसमें वॉल्यूम का रिलेशन यूज कर लो, एक ही बात है, मास तो चेंज होता नहीं, और अगर मास चेंज नहीं होता तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो जो भी आपको चीज, जो भी इसमें नहीं रखना। जैसे मान लो आपको इसमें K1 और K2 का फ्रैक्शन निकालना है, K1 K2 के फ्रैक्शन को एक तरफ रख लो, इन टर्म्स को इधर ले जाओ, इन टर्म्स में डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 60 और डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 0, तो आप डेंसिटी ऑफ मरकरी 60 को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 60 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 0 अपॉन 1 प्लस गामा इनटू टी। और ऐसी डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या किया था, रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस गामा इनटू डीटी, और चाहो तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो एक बार चेक करके देखो कितने लोगों का आंसर आ रहा है इसमें। लेकिन साथ साथ ये भी चेक करो जो प्रूव करना है, आपको जो प्रूव करना है उसको नहीं भूलना, आपने जो प्रूव करना है उसके अंदर आपको जो जो गामा चाहिए वो मरकरी और आयरन का चाहिए। ये फॉर्मूला लगाया अक्षित, आ रहा है, चेक करो डेंसिटी ऑफ आयरन एट 60 में लगाओ ये फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ आयरन एट 60 विल बी इक्वल टू क्या लगाएंगे, डेंसिटी ऑफ आयरन एट 0 1 प्लस गामा ऑफ आयरन इनटू 60, क्योंकि डीटी की जगह क्या आएगा 60। ये स्टेप क्लियर है, ठीक है ना। और ऐसी डेंसिटी ऑफ आयरन की बजाय डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 60 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 0 अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ एचजी इनटू 60। ये पॉइंट क्लियर है, तो जहां जहां आपको डेंसिटी ऑफ आयरन एट 60 दिख रहा है पुट कर दो, जहां जहां आपको डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 60 ये रहा दोनों की जगह, यहां जरा पुट करो, पुट करके ये 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, चेक करो क्या आंसर आ रहा है, आ जाएगा। तो यहां से एक मिनट, क्या पॉइंट क्लियर है, कितने लोगों का आ गया, ओके। तो यहां पुट कर लेना, यहां से V0 और V0 कैंसिल हो जाएगा, K1 is to K2 का आंसर आएगा, क्या पॉइंट क्लियर है, ओके। तो अब हमने मंडे को मिलना है 10 बजे, कितने लोग हैं जो कल एडवांस के लिए फ्री हैं, सुबह एडवांस वाले, सुबह यार अब सुबह 9, 10, 11, 12 बजे फ्री नहीं हो, ओके ऐसा कर, ट्यूसडे को फ्री हो, ऐसा करेंगे मंडे तक एक लेवल को खत्म करते हैं इसको, मंडे तक हम जेई मेन लेवल को खत्म कर लेते हैं, केटीजी और जितना भी काम पड़ा हुआ है कैलोरीमेट्री का, फिर ट्यूसडे को नेक्स्ट डे उसी का एडवांस लेक्चर लगा लेंगे, इस तरीके से कर लेते, ट्यूसडे को कर लेंगे, नहीं मंडे को तो नॉर्मल क्लास है ही है, मंडे को डिस्कस करूंगा, फिर मंडे को डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूजन क्यों करते हैं, मंडे को 10 बजे मिलते हैं, अब कब, मंडे को देखेंगे यार, मंडे को देखेंगे, ओके ठीक है यहां तक, आज शाम की क्लास है।